हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगी बहुत ही सुंदर फ्रंट ब्लाउज डिजाइन कैसे बनाए। तो देखिए, मैंने ये ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिया है। मैं आपको ब्लाउज का साइज बता देती हूँ। देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई ली हमने 14 इंच ली है, और देखिए ये हम 34 साइज का बना रहे हैं। तो डबल शोल्डर में 8.5 इंच ले लिए, 2.5 इंच मार्जिन है। शोल्डर में 6 इंच लिए, मोटे हमारे 6 इंच है और इसमें हमारी 1 इंच की गुड़ाई है। तो देखिए, इस तरह से ब्लाउज हम इस तरह से रखेंगे। देखिए, नीचे मैंने लाइनिंग रखा है, इसके ऊपर मैं ब्लाउज सीधा रखा है। और देखिए, हमने ये ब्लू कलर का कपड़ा लिया है, इसे हमने इस तरह से देखिए। और देखिए, हमने इसकी जो लंबाई ली है कपड़े की, ये हमारी देखिए 8 इंच है। और देखिए, जितने हमारे शोल्डर है उतने हमने कपड़ा ले लिया है। तो इसे हम यहां से लेके इस तरह से और यहां तक हम सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से अब इसे पलट देंगे हम। देखिए, इस तरह से हमने ये अंदर फोल्ड कर दिया। अब सेम इस तरह हम अपना दूसरा तैयार कर लेते हैं। देखिए, मैंने दोनों साइड फिनिशिंग दे दी। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो देखिए, इसमें हम प्रिंसेस कट की प्लेट डालेंगे। तो देखिए, यहां से 3.5 इंच पे, नीचे से 4 इंच पे, और देखिए आर्म होल से 5.5 इंच पे। और इन तीनों को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, आप इसे बिना कट किए भी प्लेट डाल सकते हैं। तो इस तरह से अब सेम इसे भी हम इस पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ प्लेट डालेंगे। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई कर दी। अब इसके ऊपर भी सिलाई करेंगे हम। देखिए, इस तरह से मैंने दोनों प्लेट डाल दिए। अब नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए, हमें नीचे फिनिशिंग दे दी है। तो देखिए, ऊपर हम 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं और यहां पे भी 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह से यहां पे हम इस तरह से इसे क्रॉस में रखेंगे। सेम कलर की लेस लिए ऑरेंज कलर की, जो हमने 6 इंच में निशान लगाया है, यहां से हम इस तरह से लेस लगाएंगे और यहां तक इस तरह से लेस लगाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने दोनों साइड लेस लगा दिए। अब यहाँ पे हम हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। देखिए, हमने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है हुक के लिए। तो ये हमारी राइट साइड आएगी। तो देखिए, जो हमने निशान लगाया है यहीं तक हम इस तरह से सिलाई करेंगे।
देखिए इस साइड हमने हुक की पट्टी लगा दी, इस साइड हम आई की पट्टी उड़ाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने लाइनिंग और हमने ब्लाउज की पट्टी ले ली, ये हम नीचे से लगाएंगे इस तरह से। देखिए मैं हुक आएगी पट्टी बना दी इस तरह से, ये हमारे इस तरह से आ जाएगा। अब जो ऊपर हमें नेक बनाएंगे उसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से ऊपर हमारे शोल्डर इस तरह से 2.5 इंच करेंगे। देखिए इस तरह से और यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी है, तो ये हमारा उठेगा भी नहीं। तो आप इस तरह से आप सिलाई भी ना करें तो यहाँ पे एक बटन लगा लीजिए आप इस तरह से दोनों साइड, जिससे कि हमारा ये लुक बहुत प्यारा आएगा। तो इस तरह से हमने सिलाई कर दी इसके ऊपर और देखिए हमने नीचे हुकाई की पट्टी बना दी है, नीचे फिनिशिंग दे दी, प्लेट भी डाल दी दोनों साइड। तो ये हमारा देखिए सुंदर सा प्रिंसेस कट में डिजाइनर ब्लाउज तैयार हो गया विथ कॉलर के साथ। तो आप इस तरह से, और इसके मैंने बैक साइड का भी बनाया ब्लाउज, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप इस तरह से ही सुंदर सा फुल ब्लाउज डिजाइन बना सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी।